दंगल मूवी के फैंस और फरीदाबाद समेत पूरे देश के लिए बहुत ही दुखी कर देने वाली एक खबर सामने आई है। फरीदाबाद की रहने वाली सुहानी भटनागर, जिन्होंने दंगल फिल्म में आमिर खान की छोटी बेटी जूनियर बबीता फोगाट की भूमिका निभाई थी, उनका बीमारी के चलते निधन हो गया है। सुहानी ने 19 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। आज सुबह 7:30 बजे उनकी डेथ हुई। फिल्म दंगल में महज 9 साल की उम्र में आमिर खान की छोटी बेटी जूनियर बबीता फोगाट का रोल निभाने वाली सुहानी भटनागर की बीमारी के बाद निधन हो गया। फरीदाबाद के सेक्टर 17 में रहने वाले निरंकारी एपी भटनागर की पोत्री सुहानी की मौत पर सेक्टर 17 में गमगीन माहौल है। आज ही सुहानी का सेक्टर 15 फरीदाबाद के अजरौंदा शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें, हाथ में स्वेलिंग के चलते एम्स गए थे, उसके चलते मसल्स में इन्फेक्शन फैल गया और इसके चलते ये समस्या 8 दिन पहले शुरू हुई थी। इलाज में जो दवाइयां दी गई थी उनका साइड इफेक्ट्स होने से सुहानी के पूरे शरीर में पानी भर गया था। इसी बीमारी से उनकी मौत हो गई। कुछ नहीं, उसके हाथ में एक स्वेलिंग आ गई थी, बस उसी के ट्रीटमेंट के लिए हम एम्स गए थे। बट वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ, थोड़ा टाइम लगा, बट डायग्नोज होने में टाइम लगा। तो बट ये है कि मसल्स में इन्फ्लेमेशन आ गई थी, मसल कॉन्ट्रैक्ट होती गई और लंग्स में प्रॉब्लम आने लग गई, तो ब्रीदिंग में ट्रबल होने लगी। तो कल शाम को 7:00 शी एक्सपायर्ड। 8 डेज बैक ही गए थे वहाँ पर हॉस्पिटल में, तो वो अपने टेस्ट वगैरह कराते रहे और धीरे धीरे फिर उनको डायग्नोज हुआ कि मसल्स में इन्फ्लेमेशन आ गई है। मायोसाइटिस करके एक बीमारी होती है, जुवेनाइल मायोसाइटिस। मायोसाइटिस का जब उन्होंने डायग्नोज किया उस वक्त, उसके बाद उन्होंने उसका ट्रीटमेंट शुरू किया, और बट उसकी जो हालत थी वो मायोसाइटिस में मसल्स फूलने लग जाती हैं, ब्रेक होने लग जाती हैं, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो जाती है, मसल्स में पेन, पेट में, हाथ में, पैर में, और जिसकी वजह से उसकी जो उसको जो लिक्विड दिए, जो फ्लूड दिए, वो उसमें लंग्स में चले गए और लंग्स में पानी भरने की वजह से उसकी लंग्स फेल हुए। वीक हमने इसको एडमिट किया था, ड्यूरिंग जो टेस्ट वगैरह करा रहे थे उसके बाद ही डायग्नोज हुआ था कि ये प्रॉब्लम बच्चे को आ गई है। इट्स रेयर डिजीज़, बट कहते ना शी वॉज चोजन वन, भगवान ने उसको चोज कर लिया उस डिजीज़ के लिए। वी कुडंट सेव हर, शी वॉज इन कॉलेज डूइंग हर बैचलर्स डिग्री इन मास जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इन फरीदाबाद ओनली। या एंड लास्ट सेमेस्टर में उसने टॉप भी किया अपने कॉलेज में। बस एकेडमिकली तो शुरू से ही वो अच्छी रही है, मतलब शी वॉज ऑलराउंडर। आपने तो देखा है, मूवी भी उसने बहुत अच्छे से की, जर्नलिज्म भी बहुत अच्छे से पढ़ रही थी, और चाहती तो वो एक्ट्रेस बनना ही थी कि मैं आगे एक्ट्रेस ही बनूँगी। एनीवेज ये हमारे डेस्टिनी में था कि आज हमारी बच्ची हमारे बीच में नहीं थी। मैं अपना करियर सेकंड ईयर, हमारे प्रायोरिटी था कि पहले क्वालिफिकेशन एजुकेशन कंप्लीट करे और उसके बाद फिर ये वापस अपना करियर एक्टिंग में जो भी करना चाहती है वो आगे परस्यू कर ले। बट ग्रेजुएशन और क्वालिफिकेशन एजुकेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी उसके लिए, तो शी वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन डूइंग हर ग्रेजुएशन फर्स्ट। बट ग्रेजुएशन भी कम्प्लीट नहीं हो पाई उसकी, तो बीच में ही छोड़ गई हमारे को। वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं सर आप? तो हम लोग जी फरीदाबाद में रहते हैं, सेक्टर 17 में। उससे पहले वार्ड में ही थी, वार्ड में उसके सारा डायग्नोस हो रहा था एम्स में ही। 8 दिन से हम लोग एम्स में ही थे और डॉक्टर्स वगैरह ने काफ़ी टेस्ट वगैरह कराए, उसके MRI कराए, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन वगैरह, वो सब कुछ। बट वो ये एक्चुअली एक बीमारी ऐसी है जो काफ़ी सारे लोगों को हुए, जिसको ऑटो इम्यून कहते हैं। ऑटो इम्यून करके ये बीमारी होती है, उसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, बहुत सारी अलग अलग बीमारियाँ हैं, उनमें से ये एक बीमारी है मायोसाइटिस, जिसमें मसल्स में स्वेलिंग आ जाती है। जो इंसान की एंटीबॉडी जो आपकी इम्यूनिटी को जो बढ़ाती है, वही सेल अपने आप उसी को मारने लग जाते हैं, किल करने लग जाते हैं, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बहुत लो हो जाती है। जैसे सुहानी को भी इन्होंने जब स्टेरॉइड्स वगैरह दिए इस ट्रीटमेंट के दौरान, तो उसकी इम्यूनिटी बहुत लो हो गई, और जिसकी वजह से उसको इन्फेक्शन वगैरह हो गया। वहाँ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होते हैं, इस तरीके से इम्यूनिटी लो हो जाती है, तो उसकी वजह से बहुत सारी लंग्स वगैरह में प्रॉब्लम आ गई, उसको ब्रीदिंग प्रॉब्लम आ गई, वेंटिलेटर में डाल दिया। वेंटिलेटर में भी वो पूरी ऑक्सीजन देने के बाद भी रेस्पिरेशन उसका प्रॉपर नहीं चल रहा था, तो
बहुत क्रिटिकल स्टेज में थी पिछले दो दिन से बस, लेकिन अल्टीमेटली साथ छोड़ दिया हमारा।